हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्विज नंबर फाइव दिस साइड पुष्पेन्द्र सिंह राजौत फ्रॉम द केमिस्ट्री पीसीसीपी डिपार्टमेंट तो स्टूडेंट्स अभी तक आपके फोर क्विज अपन ने डिस्कस करें वहाँ पे अपन ने कुछ चैप्टर्स हैं जिनको डिस्कस करा है आई होप आपने वो सारे वीडियोज देख लिए होंगे चलिए इस वीडियो में अपन आगे मूव करते हैं एंड क्विज नंबर फाइव को स्टार्ट करते हैं आज अपन ने जो चैप्टर लिया है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है वट आर बोला जाता है? वॉट आर द एल्लीज सो एल्लीस करते हैं और किस तरीके से डिजोल्व होते हैं ये कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं क्योंकि यहां पर इनका जो डिसोसिएशन की बात करें या की बात करें वो इनका कंप्लीट होता है सो देट आर कंप्लीटली या yeah, दूसरी तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो आयोनाइजेशन होगा वो कैसा होगा दे तो ये होते हैं बच्चों आपके एल्केलीज अब इसके एग्जांपल्स की भी बात करते हैं एल्केलीज के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं तो जो आपके ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं जब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं आपके ग्रुप वन एलिमेंट्स जो आपके होते हैं दैट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम एंड द फ्रेंचियम बट वो है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनके अंदर जो मेटल्स हैं आपके ये क्या फॉर्म करते हैं ये आपके एल्कलीज फॉर्म करते हैं किस तरीके से फॉर्म करेंगे एल्कलीज रिएक्टिंग विद वाटर अगर मैं इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पे क्या फॉर्म होगा एल आई ओ -OH एच फॉर्म होगा सिमिलरली सोडियम ऑन रिएक्टिंग विद वाटर इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे आपके बेसिस फॉर्म हो रहे हैं क्या फॉर्म हो, है? हो रहे हैं बेसिस फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके। तो ये जो होते हैं आपके दैट इज के ओ एच आर बी ओ एच एंड शो ऑन सी एस ओ एच तो ये जितने भी आपके बेसिस हैं ये कैसे होते हैं दीज आर कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर और जब ये कंप्लीटली वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं तो इनको क्या नाम मिलता है इनको नाम मिलता है, नाम मिलता है इसी वजह से बच्चों इनको क्या नाम देते हैं इनको नाम देते हैं अपन एल्ली मेटल ठीक है सो ये तो ही बच्चों एल्केज की बात तो यहाँ पे कुछ एक्साम्पल्स है जो आपको गिवन है तो जनरली आपके ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं इसके अलावा जो आपके ग्रुप टू के भी एलिमेंट्स होते हैं so, अगर मैं स्ट्रॉनशियम की बात करता हूं स्टॉनशियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड तो आपका जो स्ट्रॉनशियम हाइड्रोक्साइड है एंड जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे होते हैं बच्चों इनके जो बेसिस होते हैं दे ऑल्सो कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर तो ये भी आपके एल्कलीज बनाते हैं बात करते हैं आपके मैग्नीशियम की ये आपके सिंपली बेसिस हैं ये आपके एल्कोलीस के अंदर नहीं आते क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीटली हंड्रेड परसेंट नहीं होता है ना अपने पास एक और चीज़ है जिसको अपन है कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की बात करेंगे कैल्शियम क्या बनाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा सो so, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है मार्जिन पे आता है जहां से आपके जो कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं वो तो अपन ने ले ही लिए फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके बाद में आपके आपके जितने भी बेसिस आएंगे वो completely dissolve नहीं होंगे वो आपके की कैटेगरी में नहीं आएंगे सो so, ये अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेता हूँ या नहीं लेता हूँ ठीक है so, सो बात करते हैं अपन चारों ऑप्शन की सो फर्स्ट इज गिवन दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो यहाँ पे ये चीज भी है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली तो आपके एल्कलीज कौन कौन है आपके एल्कलीज है लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रुबिडियम हाइड्रोक्साइड सीजियम हाइड्रोक्साइड स्टोशियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके अलावा अगर अपन किसी एक और को यहाँ पे हाइड्रोक्साइड को लेना चाहते हैं सो कौन होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा इसके अलावा आपके जितने भी हाइड्रोक्साइड्स वो किस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिस बट नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्कलीज सो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एल्कली है सो दिस इज एन एल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी अपन इसको होल्ड पे रखते हैं बाकी के भी देखते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड दैट इज सी ओ एच होल्ड वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सो ये भी आपका क्या है ये भी है तो अगर मैं इन दोनों के अंदर कंपेयर कर रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये आपका मार्जिन पे प्रेजेंट होता है तो इसको भी अपन क्या कंसिडर करके चल रहे हैं दैट इज एन एल्केली इन कंपेरिजन विद दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड सो इन चार ऑप्शन में से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है आपका दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस बट इट इज नॉट एन एल्के

बट जैसे जैसे आपका पीएच डाउन होता जाएगा तो आप क्या होगा न्यूट्रल के बाद में एसिडिक पीएच वहां पे आपको ऑप्टेन होगा बट एक स्टेज एसी भी आएगी उससे अगर कम पीएच जाएगा तो आपका क्या होगा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा यानी अगर मैं बात करता हूं दैट इज दी एच विल बी लेस देन फाइव पॉइंट फाइव सो आपका क्या हो जाएगा टूथ डिके विल स्टार्ट सो किस तरीके से स्टार्ट होगा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स यहां पे या तो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक अभी ब्लैक नहीं बना सकते इस पर तो आपने देखा होगा यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक कलर का आपको पोर्शन दिखता होगा या फिर यहाँ पे ब्लैक कलर का पोर्शन आपको देखने को मिलता है तो इससे क्या हो रहा है इसका मतलब है आपका जो टूथ है उसके ऊपर जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है जिसको अपन इनेमल नाम देते हैं वो धीरे धीरे करोड़ होना स्टार्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक मीडियम जब कब होगा एसिडिक मीडियम जब आपका पीएच एच सेवन से कम होता चला जाएगा फाइव के अराउंड आपका जब पीएच आएगा

What will be the आपका दैट इज कॉमन सोल्ट थर्ड सोल्यूशन इज कॉस्टिक सोडा एंड फोर्थ सोल्यूशन इज बेकिंग सोडा अगर इनके नेचर की बात करता हूँ विनेगर दट इज सी एस सी सी दिस इज एसिडिक Second, है आपका कॉमन सोल्ट सोल्ट इज न्यूट्रल इन द स्ट्रॉ एसिड एंड कैसा के पे आपका एकदम न्यूट्रल होगा थर्ड है आपका कॉस्टिक सोडा दैट इज एन एच किसका नेम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेम है विनेगर दैट इज सी एस थ्री सीओ एच जो आपका इथेनोइक एसिड होता है इसका जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं उसी को अपन नाम दे रहे हैं विनेगर कॉमन सोल्ट एनएसएल ना बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या है आपका दीओ थ्री सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट सो थर्ड इज एन एच इन नेचर फोर्थ इज बेकिंग सोडा अब ये आपका इसका नेचर कैसा होगा इसका नेचर बच्चों किस तरीके से होगा इसका नेचर होगा बेसिक नेचर वाई बेसिक नेचर क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है एन ए एच सी ओ थ्री इट इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा है सोडियम बन रहा है कौन है इसके पेरेंट एसिड एंड बेसिस तो पेरेंट एसिड इसका होगा एच टू सी ओ थ्री कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड एंड बेस कौन सा होगा इसके लिए एन एओ एच

स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं कि वहां पे एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपन फाइंड आउट करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है वेदर इट इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर या कितना एसिडिक है कितना बेसिक है तो किस तरीके से अपन फाइंड करते हैं बच्चों जब अपन इसको टेस्ट करते हैं वी विल गेट अ कलर अपन को वहाँ पे एक कलर देखने को मिलता है तो डिपेंडिंग अपन द कलर अपन बता सकते हैं कि इसकी मार्किंग क्या है पी स्केल पे एंड उसके बेसिस पे अपन उसका आंसर कर सकते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल तो आपका जो पीएच है कहां से कहां पीएच स्केल कहां से कहां तक वेरी करता है जीरो टू फोर्टीन और इसके अंदर जो कलर्स होते हैं किस टाइप से होते हैं सो so, कलर्स भी मैं आपको बता देता हूं सो देट यू विल गेट द आइडिया ऑफ द पीएच आपके जो कलर्स होते हैं दैट इज डार्क रेड डार्क रेड धीरे धीरे आपका लाइट uh, होता है यू विल गेट हियर दिस टाइप ऑफ रेड विच इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द ऑरेंज ऑरेंज कलर आपका धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता जाएगा और ज्यादा लाइट होगा इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द येलो पार्ट पहले डार्क येलो फिर लाइट येल्लो इस तरीके से तो आपका जो डार्क कलर है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है यहां पे लाइट में कन्वर्ट होता जाता है यानी कि रेड आपका किसमें कन्वर्ट होगा ऑरेंज ऑरेंज टू येलो एंड येलो किसमें कन्वर्ट होगा आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा ठीक है ग्रीन कलर की बात करेंगे आफ्टर दैट ग्रीन यू विल गेट

यानी इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर ऑप्टेन होंगे तो बच्चों इस तरीके से आपका जो पी स्केल होता है ये आपको एक कलर स्ट्रिप भी साथ में प्रोवाइड करी जाती है डिपेंडिंग अपॉन दीज कलर स्ट्रिप्स इन कलर स्ट्रिप्स के बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका नंबरिंग कौन सा है या पी एच का आ, कितना पीएच है इसी के बेसिस पे मैं आपको अगर नंबरिंग करके बताऊंगा तो बच्चों यहाँ पे आपको नंबरिंग भी बता देते हैं सपोज यहाँ पे जैसे जीरो नंबर है तो यहाँ पे ये दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ये जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है दिस इज सेवन जो न्यूट्रल पॉइंट है उसका नंबर कितना है स्टूडेंट्स इसका नंबर है सेवन सो जीरो टू सेवन आपका कौन सा होगा मैं यहां पे लिख देता हूं इफ पी एच इज लेस देन सेवन सो सोल्यूशन इज इक्वल टू सेवन देन विल बी न्यूट्रल इफ पी एच इज ग्रेटर देन सेवन देन सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर तो इस तरीके से अपन को यह चीज ध्यान रखनी है अब यहाँ पे ये चीज़ तो ये तो आपके पास आएगी पीएच कितना है डिपेंडिंग अपॉन द कलर सपोज वहां पे अगर येलो कलर आ रहा है और ऑरेंज कलर आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि जिसका कलर येलो आ रहा है दैट इज़ लेस एसिडिक इन नेचर एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन विच इज गिविंग द ऑरेंज कलर तो यहाँ पे अपने को स्ट्रेंथ भी पता चलती है सो so, आपका पीएच स्केल जीरो टू फोर्टीन वर्क करेगा इस तरीके से स्ट्रिप्स होगी जहाँ पे आपको ये कलर देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस कलर्स जब जैसे कि आपका सोल्यूशन कौन सा है डायलूट सोलूशन है विनेगर का इसके अंदर अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को पुट करता हूँ ठीक है यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ आ मैं पीएच को पुट पीएच पेपर को यूज करूँ या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन को पुट करूँ सो वॉट विल गेट यू विल बी गेटिंग द कलर इन डिफरेंट सोल्यूशन गेटिंग वन गेटिंग द पॉइंट सो बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ आपको एक इंफॉर्मेशन और देते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स सो अलग अलग इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है सो दैट यू विल गेट डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडिया

सॉल्ट की बात करेंगे तो ये आपका इतना तो जो बेसिक नेचर है उतना शो नहीं करेगा बट आपके सेवन के अराउंड ही यहाँ रहेगा तो इसका अराउंड कौन सा कलर आ रहा है आपको ब्लू कलर देखने को इसका मिलेगा तो अपन ने यहाँ पे सारे कलर्स लिख लिए अलग अलग सॉल्यूशंस में कौन कौन से कलर आएंगे एक बार अपन ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं और ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि जो आपका ऑप्शन है वो कौन सी जगह पे जाके गलत है सो सो फर्स्ट ऑप्शन बात करते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन गिवेन है ग्रीन गिवन है तो ये दोनों ऑप्शन इस वजह से आपके गलत हो गए क्योंकि विनेगर में ग्रीन नहीं आएगा विनेगर इज एसिडिक इन नेचर सी में बात करते हैं तो फर्स्ट यू विल बी गेटिंग रेड सो दिस इज करेक्ट सेकंड में आपको ग्रीन दे रखा है थर्ड में आपको क्या दे रखा वॉयलेट दे रखा है फॉर द बेसिक सॉल्यूशन करेक्ट एंड फोर्थ में आपको क्या गिवन है ब्लू कलर गिवन है फॉर द बेसिक सॉल्ट सो दिस इज आल्सो करेक्ट यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है एंड ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं क्यों गलत है आपका ऑप्शन डी तो यहाँ पे आपका रेड है दिस इज करेक्ट सेकंड में आपका क्या सॉल्यूशन है सेकंड में आपका सॉल्यूशन है कॉमन सोल्ट एंड हियर वॉलेट इज गिवन तो जो आपका वॉलेट है वो नहीं आएगा तो ड्यू टू दिस वॉलेट कलर विच इज गिवन इन द सेकंड फॉर द एन ए सी एल तो ये आपका गलत हो जाएगा इसके वजह से भी गलत है एंड लास्ट में ब्लू है तो ये तो सही है सो वी हैव गेट द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का अपने को करेक्ट आंसर मिल चुका है बट अपन ने सारे ऑप्शन एक बार देखे हैं कि ऑप्शन क्यों गलत है ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन क्वेश्चन को भी कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो अपन फाइंड आउट कर ही रहे हैं साथ में उसके जो कंसेप्ट होते हैं उसके आसपास के जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनको सभी को अपन एक साथ क्लब करके यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं सो आई होप बच्चों आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से लेके पी वगैरह सभी की जो नॉलेज है वो आपने एक बार रिवाइज कर ली होगी सो so, एक बार आंसर टिक करते हैं एंड देन विल बी मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन फोर इज एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लुइस बेस एंड एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इट सेल्फ इन द क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लुइस बेस वो लुइस बेस के जैसे एक्ट करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसके नाम देंगे अपन लुइस एसिड नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगा So, चारो ऑप्शन को अपने को देखना है ऑप्शन के बेसिस पे अपने को करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है सो फर्स्ट गिवन एनएस थ्री को ये लुइस एसिड बोल रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो so, एक बार बना के देखते हैं एनएस थ्री का स्ट्रक्चर सो नाइट्रोजन एटोमिक नंबर सेवन सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होगा टू फाइव दैट इज इट इट्स

लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट so, तो कर रहे हैं बाकी नाइट्रोजन के, के प्रेजेंट है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे दो, दो इलेक्ट्रॉन्स। है इसलिए मैं इनको पेयर नाम दे रहा हूं ठीक है सो दीज आर द पेयर अब जो आपका नाइट्रोजन है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है किसी के साथ में शेयर कर सकता है ठीक है

बोरोन एटॉमिक नंबर फाइव के एल जो इसका कॉन्फिग्रेशन उसकी बात करते हैं 2, 3. So, यहाँ पे आपके जो, है, है. so, जो चीज मैंने बनाई है बच्चों दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जहां पे अपन सिंबल को भी रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट के और साथ में जो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट तो से रिप्रेजेंट करेंगे या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोरीन की भी बात कर हूं बच्चों फ्लोरिन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा अपन ने सो so, दिस इज फ्लोरिन इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इसके अराउंड सेवन इलेक्ट्रॉन है सिमिलरली यहाँ पे भी फ्लोरिन बना देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फ्लोरिन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लोरिन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे भी फ्लोरिन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है पे भी फ्लोरिन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे इनको स्टेबिलिटी अचीव करनी है सिमिलरली अगर मैं बोरोन की भी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोरोन भी म्यूचुअल एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एंड दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड बट के अराउंड पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स सीखने को मिल रहे हैं इस ग्रीन सर्कल के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी अभी भी इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट सो इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा आपका बी एफ थ्री बी एफ थ्री जो आपका सेंट्रल एटम है दैट इज द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इट विल एक्ट एज अ अस एसिड लुइस एसिड के जैसे ये क्या करेगा एक्ट uh, करेगा यहाँ पे फ्लोरीन के पास तो क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट मुझे तो क्या करना है मुझे ये जो आपका पूरा का पूरा का कंपाउंड है दिस दिस विल विल एक्ट एक्ट एज एज अ लुइस एसिड बिकॉज बोरोन के ऊपर अभी भी uh, जो उसकी कंडीशन uh, है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है दैट इज उसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीटली जो उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल सो बोरोन विल बी बोरोन हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको बोरोन के अराउंड सिक्स इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यानी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एक कोवलेंट बॉन्ड में आपके टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अगर आप काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द बोरोन सो ये किसके जैसे बिहेव करेगा सो इट विल बिहेव एज अ लुइस एसिड नॉट द बेस सो इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा गलत होगा फ्लोरीन से अपने को मतलब नहीं है बात करते हैं एन एफ थ्री इज अस बेस बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन इलेक्ट्रॉन अगर मैं NF3 की भी बात करूंगा तो सिमिलरली इस तरीके से आपका भी बनेगा बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख भी देता हूं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दैट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग uh, के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या नाम दूंगा पेयर नाम दूंगा इस वजह से अपन यहाँ पे बात, बात करते हैं दैट इज अ पेयर बट अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को देखता हूँ सो एन एफ थ्री इज अस बेस इज करेक्ट एनएफ थ्री आपका लुइस बेस है क्यों है बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन इलेक्ट्रॉन यानी लोन इलेक्ट्रॉन का मतलब है वन इलेक्ट्रॉन सो नाइट्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन ही है नाइट्रोजन के पास टू इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इस वजह से आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है है तो इसीलिए बोला जाता है बच्चों चारों ऑप्शन को देखो अगर इसे आपको इस ऑप्शन को यहाँ तक भी आप रीड करेंगे तो यहाँ तक तो आपका एंटायरली ट्रू है बस लास्ट वाले वर्ड में क्या हो रहा है एक चीज मिसिंग है दैट इज द पेयर चलिए स्टूडेंट सो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं दैट इज बी थ्री सिमिलरली जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया बी उस तरीके से आपका क्या बनेगा बी बनेगा यहाँ पे भी जो बोरोन है इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं इसके अराउंड भी आपको सिक्स इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे एक बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स है

जैसे अगर मैं बात करता हूँ एन की तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करेगा एंड हियर इट इज गोइंग टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा दैट इज आल्सो नोन एज द डेटिव बॉन्ड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज डन बाय द सिंगल एटम ठीक है कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपको म्यूचुअल शेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करेगा तो किस तरीके से बनेगा आपका एन

नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रियक्ट विद वॉटर टू फॉर्म तो नॉन मेटेिक्स वॉटर के साथ करेंगे तो देखते हैं बच्चे नॉन मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि नॉन मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएट करके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जस्टर एक्साम्पल से कार्बन नॉन रियक्टिंग विद ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू फॉर्म सीओ टू तो ये आपका नॉन मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर क्या फॉर्म कर रहा है ऑक्साइड फॉर्म करा है तो ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ नाम देंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ सल्फर आप क्या बना रहे हैं SO2 SO3 फॉर्म कर रहे हैं तो ये आपके क्या हैं दीस आर द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सिमिलरली अगर मैं फास्फोरस की भी बात कर लेता हूं बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की भी so, कौन -कौन सो नाइट्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म्स वेरियस ऑक्साइड्स कौन-कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे आपके बहुत सारे बनाएंगे इसलिए मैं n x o y नाम देता हूं दैट इज NO N2O NO2 एन टू ओ थ्री एन टू ओ फोर एन टू ओ फाइव इतने सारे आपके ऑक्साइड्स बनेंगे तो ये सारे ऑक्साइड्स आपके कैसे नॉन मेटेलिक हाउ रियक्ट विद में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे सो so, जब आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब मैं इनको वाटर में पुट करूंगा तो यहाँ पे अलग से भी बताना बता देते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीओ टू की बात करता हूँ सीओ टू वे पुट इन दॉटर टू फॉर्म एच टू Co three so2 on put in water they are going to form h two so three so three on reacting with water and get dissolved in water they are going to form h two so4 no2 plus water hno three and so on Co plus water not dissolved nO in water.

नेचर यहाँ पे शो करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक तो एसिडिक न्यूट्रल बट अगर जनरल तो आपके कौन, solution. कौन, कौन से होते हैं जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन से आपके जो न्यूट्रल सोल्यूशन है यू हैव सिंपली फोर आपके चार ही हैं जो कि न्यूट्रल हैं कौन कौन से हैं एक तो है H2O एच टू ओ कार्बन मोनोऑक्साइड एन ओ एंड एन टू ओ ठीक है तो ये जो फोर ऑक्साइड्स हैं ये किसके जैसे बिहेव बिहेव करेंगे दे विल एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी देखो वाटर तो खुद इटसेल्फ सेल्फ एच टू तो क्या है आपका नॉन मेटर ऑक्साइड है वाटर के अंदर ही तो अपन डिसॉल्व करके सभी का नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाटर की तो अपन बात ही नहीं करेंगे कि इसका नेचर कौन सा होगा एसिडिक होगा या बेसिक होगा क्योंकि अपन इसको इसी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो बात करेंगे बाकी तीन की दैट इज सी ओ एन ओ एन एन टू तो ये तीनों आपको रिमेंबर करने हैं ध्यान रखना है आपको इन तीनों का कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड NO होता है एनओ होता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड एन टू होता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इनका नेचर कैसा होता है दे आर न्यूट्रल इन नेचर दे विल नॉट डिसॉल्व इन द वाटर बाकी के नेचर आपके कैसे होंगे बाकी के आपके एसिडिक नेचर के ही होंगे सारे यानी अगर मैं इनकी बात करूंगा तो आपके ये सारे कैसे होंगे ये सारे आपके एसिडिक नेचर के होंगे एक्सेप्ट दीस दीज एंड

सेम प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप विल गेट यूसर बट अपन सारी चीज यहाँ so का मतलब हो गया बेसिक सोल्यूशन सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन भी करेक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे इस तरीके से आंसर होता जैसे ये 1, 2, 3, 4 है ये वन टू थ्री फोर होते तो टू एंड थ्री आर करेक्ट तो अपन उस ऑप्शन को टिक uh, करते हैं बट इन चारों में से जो आपका बेस्ट है वो कौन सा है दैट इज द एसिडिक सोल्यूशन कंसिडरिंग दीज थ्री ऑक्साइड्स एज द

न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम देंगे और इसी रिएक्शन के अंदर आपका क्या हो रहा है हीट एनर्जी इवॉल्व होती है सो सो दिस इज इज एक्सोथर्मिक इन नेचर पे हीट एनर्जी इवॉल्विंग तो एक बार सभी को लिख लेते हैं ये आपकी वर्ड इक्वेशंस गिवन है तो ये जो वर्ड इक्वेशंस गिवन है इसको अपन सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे या अपन इनके बेसिस पे भी सिंपल यहाँ पे बता सकते हैं तो बस अपने को यहाँ पे नेचर लिखना है किसका कौन सा नेचर है सो सोडियम क्लोराइड आपका कौन सा नेचर है दिस इज न्यूट्रल इन नेचर तो सिंस ये आपका न्यूट्रल नेचर है इसका मतलब ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड आपका क्या गिवन गिवन है है ठीक तो है तो सोल्ट गिवन है सोल्ट इज रिएक्टिंग विद द टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही आपका रिएक्शन के अंदर आता है सो दिस इज नॉट द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सेकंड इज कैल्शियम कार्बोनेट सो आपका मेटल कार्बोनेट गिवन है इट इज ऑन रिएक्टिंग विद द वाटर इट इज गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो so, यहाँ पे ये इस रिएक्शन के साथ में मैच नहीं कर रहा इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन है ये मेटल कार्बोनेट के, uh, के, so, के रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एन ओ एच ऑन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एच सी एल दे आर गोइंग टू फॉर्म वॉट दे आर गोइंग टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एन एस सी एल एंड वॉटर That is so, ये जो given है, आपका बेस एसिड के साथ में रिट कर रहा है सोल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है कॉपर सल्फेट प्लस सी एसओ फोर प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म जेड एन एसओ फोर प्लस सीओ ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन uh, है

इसका आपको क्या निकालना है इसका आपको कॉन्जुगेट बेस फाइंड आउट करना है सो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है तो ये आपका आता है ब्रॉन्सटेड लोरी कॉन्सेप्ट से लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जहां पे जो आपका एसिड होगा दैट इज व्हाट एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एसिड क्या होगा आपका प्रोटोन डोनर होगा यानी कि यहाँ पे एच प्लस साइन को क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है डोनेट कर रहा है बेसिस 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 इफ आई टॉक अबाउट द क्या होते हैं आपके बेसिस होते हैं आपके प्रोटोन एक्सेप्टर ठीक है बेसिस क्या होंगे आपके प्रोटोन एक्सेप्टर वाइल एसिड प्रोटोन डोनर तो ये मैं अगर इस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एसिड है जो कि H प्लस साइन को दे रहा है

तो जब ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं दे आर बिहेविंग एज अ बेस और वहीं अगर मैं दूसरे रेफरेंस से बात करता हूँ दैट बेसिस ने जब प्रोटोन को एक्सेप्ट करा है तो यहाँ पे एच प्लस आइंस क्या होगा ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस होगा दैट हैज द कैपेबिलिटी टू अगेन डोनेट दैट एच प्लस तो जब बेसिस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ पे एक सब्सटेंस ऐसा फॉर्म होगा आगे जो कि आपका एच प्लस आइन को वापस से रिलीज कर सकता है तो उस सब्सटेंस को अपन क्या नाम देंगे उस सब्सटेंस को अपन नाम देंगे एसिड सो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से अपन इसको क्या नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा एसिड का क्या बनता है एसिड का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेट बेस सिमिलरली जो बेसिस का प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेट एसिड इस वजह से ब्रोसिलोरी कंसेप्ट को क्या भी दूसरा नाम क्या दिया जाता है दैट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस थियोरी

तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ओ एच माइनस तो जो आपका ओ एच माइनस है इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस निकालना है दैट इज इट विल बी एक्टिंग एज एन एसिड एसिड ये किसके जैसे करेगा? के जैसे बिहेव बिहेव करेगा करेगा के तभी तो मुझे क्या मिले मिलेगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस मिलेगा तो जब ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा इसका मतलब इट इज गोइंग टू डोनेट अ प्रोटोन प्रोटोन क्या बोल रहे हैं अपन क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन का क्या होता है आपका वन वन प्रोटोन इज प्रेजेंट उसके क्या होता है आपका वन देयर बट जब मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देता हूं यानी हाइड्रोजन में बात करता हूँ एच एटम में से अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब मेरे पास क्या बचेगा एच प्लस बजेगा तो इस एच प्लस को अपन क्या नाम देते हैं प्रोटोन ठीक है, H को नाम देते है? या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं प्रोटोन को अपन एच प्लस से भी डिनोट करते हैं ठीक है तो 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 ये ये चीज भी आपको ध्यान रखनी एसिड तो जब आपका H को रिलीज करेगा करेगा तो करेगा पे पे क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म ट बेस विल बी वॉट फॉर दाइनस दैट इज ओ टू माइनस या ओ माइनस टू आई वो समझो बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैंजुगेट एसिड इसका

माइनस वहां ट एसिड का होता है OH माइनस का एच टू होता तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन थ्रू चलिए तो अगर इन दोनों केसेस में मैं देखता हूं तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन आपका जो ओ है दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन एच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ओ माइनस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी दैट इज ओ माइनस सो आई होप स्टूडेंट्स यू गेट दिस कंसेप्ट वेरी करेक्ट इसके बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसके आपको आंसर करने हैं

और आपको यहाँ पे गिवन है तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेते हैं अब का गया है। तो पीएच के बारे लॉग ऑफ एच प्लस या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन लॉग एच प्लस आयंस कंसेंट्रेशन तो इन दोनों केसेस ये चीज तो समझ में आ रही है बच्चों दैट पी एच इज proportional टू the ऑफ एच प्लस plus पी एच आपका कैसा होता है पी एच इज proportional to टू concentration ऑफ एच प्लस ions. जैसे जैसे आपका एच प्लस ions का concentration बढ़ेगा वैसे वैसे pH क्या होता जाएगा डिक्रीज होता चला जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो अब अपन बात करते हैं क्या होगा जब अपन इसको बॉयल करेंगे दैट इज अभी तो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर पे बट अगर मैं इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊँगा इंक्रीज करता जाऊँगा तो वहां पे सपोज से जस्ट अराउंड बॉइलिंग पॉइंट वहां पे जो पीएच होगा वो कितना होगा ठीक है so, तो इसके लिए बच्चे अपन पीएच की भी बात कर लेते हैं सो पीएच कहां से आया आपका आपका वाटर की बात करते हैं सो so, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है यहाँ पे फॉर्म होता है एच प्लस साइंस एंड ओ एच माइनस साइंस तो एच प्लस साइंस एंड ओ एच माइनस साइंस आपके वाटर से फॉर्म हो रहे हैं इसको बोलते हैं अपन सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ

तो इनका जो कंसेंट्रेशन होगा वो हो, हमेशा सेम होगा तो इनका कंसेंट्रेशन कितना होता है टेन टू पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर एंड मोल्स पर लीटर ठीक है तो दोनों एंड दिसन इज एट दी फाइव डिग्री कहां पर है ट्वेंटी है और अगर मैं बात करता हूँ पावर माइनस फोर्टीन इसी वजह से जो आपका पीएच है दैट

Uh, किसी सब्सटेंस को बॉयल कर रहा हूँ या हीट कर रहा हूँ जैसे कि वाटर की यहाँ पे बात कर ले तो जब मैं वाटर को हीट करता हूँ तो वहाँ पे क्या होगा जो आपके वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा सेल्फ आयनाइज होंगे तो जितने ज्यादा सेल्फ आइनाइज होंगे उतने ही क्या होगा यहाँ पे कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो जब इनकी तो जब इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो पी विल बी डिक्रीजिंग अगर जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा एच का तो पी क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा बट पहले भी वाटर था अभी भी वाटर है जितने एच प्लस आइंस जितने एच प्लस आइंस हैं अभी भी उतने ही ओ एच माइनस आइंस हैं

बढ़ता जाएगा तो आपका जो पीएच स्केल है लिए वो छोटा होता चला जाएगा और जो उसका मिडिल वो होगा so, बात करते हैं एक बार ऑप्शन so, आपका एसिडिक नहीं आएगा पीएच जरूर आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सेकेंड बी ऑप्शन की वजह से क्या होगा गलत होगा बिकम बेसिक दिस नॉट द केस पीएच विल डिक्रीज दिस इज ट्रू बट वाटर विल रिमेन नेचुरल और न्यूट्रल या तो वाटर आपका नेचुरल ही रहेगा या न्यूट्रल रहेगा बट जो उसका पीएच होगा दैट विल डिक्रीज सेवन जो लास्ट ऑप्शन है जहां पे आपको पीएच सेवन बता रखा है, so है तो यहाँ पे एक केस और डिस्कस कर लेते हैं बच्चे क्या देट इज दिस इज एट दी फाइव डिग्री सेल्सियस सो एट अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस एट अराउंडी डिग्री एच प्लस will be equal to concentration of OH minus ions. That will be equal to 10 to the power minus 6. So, पहले कितनी थी concentration students 10 to the power minus 7 moles per liter. अब कितनी होगी 10 to the power minus 6 moles per liter. यानी concentration increase होगी है. तो so, जो आपका pH होगा, इसके basis पे तो pH कितना आएगा आपका? That is minus log of H plus ions concentration. That is equals to 10 to the power minus 6. That is equal to 6. तो so, आपका pH कितना निकल के आएगा? सिक्स निकल के आएगा उस केस में जब अपन वाटर को क्या कर रहे हैं हीटअप कर रहे हैं एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो जब मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट तक अगर इसको हीटअप कर करने जा रहा हूँ उसके अराउंड हीटअप कर रहा हूँ तो वहाँ पर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आपका पीएच इससे भी ज़्यादा कम आएगा तो आई होप स्टूडेंट्स यू गेट द करेक्ट आंसर और उसके साथ में जो नॉलेज थी इसके अराउंड जो कंसेप्ट था वो भी आपने सीख लिया होगा तो एक बार करेक्ट आंसर को टिक कर लेते हैं और जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिक्रीज बट वाटर विल रिमेन नेचुरल और द न्यूट्रल इसको चाहो तो स्क्रीन ले लो चलिए मूव करते हैं अब आगे. तो आपको जो प्लास्टर ऑफ पैरिस है वो कहा से ऑप्टेन होता है दैट इज ऑप्टेन बाई हिटिंग द जिप्सम तो प्लास्टर ऑफ पैरिस इज वॉट पीओ पी व्हाइट कलर का आपका सबसे कहां से ऑप्टेन होगा जब आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अगर मैं इसको हीटअप करूंगा एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो यू विल बी बी गेटिंग गेटिंग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड वाटर इज एल्यूमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स सो बच्चों एनसीआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो एनसीआरटी के अकॉर्डिंग आपको हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ही गिवन है तो अपन एनसीआरटी को फॉलो करेंगे थ्री सेवेंटी थ्री कैल्विन तो यहां पे इनका नेमिंग लिख लेते हैं तो बच्चे इसका नेम क्या होगा? बोतर करेक्ट यहां पे क्या ऑप्टन हो रहा है आपको दिस इज कैल्शियम सल्फेट है So, बात करूं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा so, सोल्ट के अंदर दिस इज दॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और ऐसे सोल्ट को अपन नाम देते हैं हाइड्रेटेड सोल्टर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है तो so, यहाँ पे टू मोलिक्यूल्स ऑफ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ सी एस ऑफर यानी दो प्रेजेंट है एक मोलिक्यूल सी एसओ फोर में यहाँ पे बात कर रहा हूं तो हाफ मोलिकूल इज प्रेजेंट इन दी एस ओ फोर मोलिक्यूल बट हाफ को इस तरीके से उसी तरीके से लिखते हैं ये तो सिर्फ uh, समझाने वाली बात है दैट इज इन द टू मोलिक्यूल्स ऑफ सी एसओ फोर वन वाटर मोलिक्यूल इज प्रेजेंट वन वाटर मोलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट ठीक है तो टू में वन प्रेजेंट होगा बट इसको लिखने का तरीका अपन इस तरीके से लिखते हैं तो बात करते हैं अब इनके कॉमन नेम्स so, क्या है यहाँ पे इसका नाम होता है जिप्सम एंड दिस इज पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको पीओपी कहां से ऑप्टेन होता है जिप्सम से ऑप्टेन होता है दोनों ही व्हाइट कलर के सब्सटेंसेस होते हैं ठीक है पीओपी आपने नाम भी सुना होगा जो प्लास्टर्स वगैरह या क्रैक्स वगैरह कहीं आते हैं तो अपन किसका किसको यूज करते हैं पीओपी यूज करते हैं या फिर अपन डेकोरेशन पर्पज के हिसाब से भी अपन किसको यूज करते हैं पीओपी को यूज़ करते हैं बिकॉज वैन इट विद द वाटर जब ये वाटर के साथ में कंबाइन होगा तो वा, वापस ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका वाइट कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड दैट इज जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट ठीक है स्टूडेंट सो so, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए जिप्सम चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर इज कॉमर्शियली ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम है कमर्शियल नेम है वो क्या है वो अपन फाइंड आउट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है उसको भी देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर होता है जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका ड्राई स्लेग लाइम ने दिस इज द कॉमन नेम सी ए छोड़ा इसका कॉमन नेम है स्लेग लाइम जब अपन इसको ड्राई फॉर्म में लेंगे इसके ऊपर से अपन क्लोरीन गैस को पास करेंगे यू विल गेट हियर सी ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड एंड देर इज द लिबरेशन ऑफ वाटर तो बच्चों तो तो आपको क्या ऑप्टेन हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म हो रहा है इसका जो नेम है आई नेम उसको भी लिख लेते हैं दैट इज कैल्शियम क्लोराइड ठीक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं सी एओ सी एल एंड सी एल यहाँ पेट में प्लस टू ऑक्सीजन का माइनस टू यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्लोरीन का दैट इज द सम दैट इज द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द क्लोरीन सो यहाँ पे कितना है प्लस वन एंड यहाँ पे कितना होगा माइनस वन तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्लोरीन का दैट इज इक्वल्स टू द एवरेज सो प्लस वन

इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता है यहाँ पे बहुत सारे आ, कुछ कम्पाउंड है वो फॉर्म होते हैं बट इसको अपन इस इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन अब इसका जो कमर्शियल नेम है उसको अपन लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको ये चीज दिख रही है सी ए सी एल टू यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोरीन तो ये ब्लीचिंग एक्शन भी शो करेगा आपका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन और ये नेसेंट क्लोरीन को भी लिबरेट करेगा सो so, इसको नाम क्या देंगे अपन दैट इज नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम ये इसका कमर्शियल नेम हो जाएगा दूसरा अपन इसको क्या बोल सकते हैं क्लोरीनेटेड लाइम भी बोल सकते हैं लाइम क्यों बोला है बच्चों मैंने बिकॉज ऑफ दिस दिसग लाइम यहाँ पे लाइम uh, प्रेजेंट है प्रेजेंट है उसके ऊपर से मैंने को पास किया है तो ये आपका क्या है दैट इज फॉर्मिंग क्लोराइड ऑफ लाइम ये तो समझ में आ गया होगा क्लोरनेटेड लाइम भी इसी के बेसिस पर इसको बोला गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता किससे है ये बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने से बनता है और जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड इसका नेम क्या होता है इसका नेम होता है क्विक लाइम

बेस इज अबेंस विच सो अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट लुइस बेस कौन होगा बच्चों लुइस बेस विल बी विच डोनेट्स अ लोन लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ठीक है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं लुइस एसिड की सो विच एक्सेप्ट

टू डोनेट अफ इलेक्ट्रॉन और कम एक लोन पेयर तो प्रेजेंट हो सो so दैट वो उसको डोनेट कर सके या शेयर कर सके सो विच इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन मूविंग टू नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एनर्जी रिलीज इन द न्य रिएक्शन विच अकर्स बिटवीन दसिड एंड स्ट्रॉ बेसिस तो बच्चों जब मैंने आपको बात प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था न्यूटलाइेशन रियक्शन के अंदर अलोंग विद्रेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है लिबरेट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस लेके चलता हूं

ठीक है तो पे आपके वन मोल बनेंगे एंड जब आपके वन मोल एच प्लस साइंस एंड ओ एच माइन आपस में कंबाइन होंगे तो so यहाँ पे क्या बनेगा आपका एच टू बने वन मोल और इस वन मोल के हिसाब से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही ठीक है सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके कंप्लीटली आईनाइज होते हैं तो वहां पे आपकी हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होती है वहीं अगर मैं दूसरे केसेस की बात करता हूँ जब आपने वीक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया या स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक uh, एसिड ले लिया या फिर वीक एसिड वीक बेसिस तो बाकी के जो रिमेनिंग केसेज है अगर आपने उनको लिया तो वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी बट इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी इससे कम ही रिलीज होगी सो so, चारों ऑप्शन देख लेते हैं ए के फिफ्टी सेवन पॉइंट पॉइंट वन इज तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स दैट इज फिफ्टी सेवन पॉइंट वन किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इज रिलीज सो स्टूडेंट्स आई होप आपने ये देख लिया होगा कौन सा आंसर सही है यहाँ पे चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाँ स्टूडेंट सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करते हैं हाउ वी यू प्रिपेयर द फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो तो अब अपन सब्जेक्टिव डिस्कस कर लेतेमिकल so, रियक्शन so, और जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है बच्चों वहाँ पे बैलेंस करके लिखा जाता है तो वो जो अपने रिएक्शन लिखी थी दट इज ऑल्सो बैलेंस बट वहाँ पे अपने फ्रैक्शन में उसको यूज करा था यहाँ पे अपने उस को लिखते है किस तरीके से दैट इज्सम सी एसओ

तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं सी ए एस फोर ट्वाइस डॉट एच टू इसका मतलब ये टू है और ये वन है प्लस थ्री एच टू ओ जब मैं यहाँ पे कितना लेके चल रहा हूं पूरे टू सी एस फोर डॉट टू एच टू लेके चल रहा हूं यानी यहां पे मैं टू मोलिक्यूल्स के लेके चल रहा हूँ इसके लेके चल रहा हूँ जिप्सम के ठीक है आई होप स्टूडेंट यू गेट यूर दिस uh, करेक्ट यहाँ पे आप अगर इसको बैलेंस करके देखेंगे तो एवरी थिंग्ड एवरी आइटम इज बैलेंड आपकी कम्प्लीटली बैलेंस वॉटर मोलिक्सेंट टू मेंल्सो फोर टू सी एस ओ फोर एंड टू सी एसओं देर सो जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे पे आप इसको भी आपको लिखना है तो इसका आई पी एस सी ने क्या होगा बच्चों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और बाइहाइड्रेट इसका नाम क्या होगा दैट इज सल्फेट एंड दिस इज ऑक्साइड तो ये बच्चों आपने देख लिया होगा हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर फ्रॉम द जिप्सम वन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है दैट इज द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनसीआर आपको यहाँ पे लेना है

this is calcium oxy chloride this is chlorine gas and this is calcium हाइड्रोक्साइड ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्लोरीन गैस है जी की फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको अपन ड्राई ड्राइ स्लेग्लैम की बात कर रहे हैं तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ये भी आपका सॉलिड है एंड दिस इज द

हाँ अमोनियम क्लोराइड ये दोनों रिएक्ट करते हैं वापस से यहाँ पे अमोनिया निकलता है और उस अमोनिया को मैं वापस से यूज करता हूं इन दिस सोलवे प्रोसेस सो अमोनिया रिकवरी भी यहाँ से होती है एंड फाइनल जो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचेगा उसको अपन नाम देंगे एज अ बाय प्रोडक्ट सो बाय प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड एन एच फोर सी एल सो यू विल बी गेटिंग हियर एच टू ओ प्लस सी ए सी एल टू प्लस एन एच थ्री तो जो आपका एन एस थ्री है ये तो अपन क्या हो रहा है अमोनिया रिकवरी में इसको यूज कर रहे हैं वापस इसी प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे दूसरा जो आपका है दी एस एल टू तो जो आपको सी एसीएल टू कैल्शियम क्लोराइड जो ऑप्टेन हो रहा है दैट इज द बाय प्रोडक्ट दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द सोलवेस प्रोसेस तो इस चीज को भी आप यहाँ पे ध्यान रखना इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये चीज भी बताई है अदरवाइज आपका क्वेश्चन तो यहीं पे एंड हो रहा है ठीक so, तो है सो कुछ इन्फॉर्मेशन ने एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्कस कर ली जैसे कि आपका सोलवेस प्रोसेस है सोलवे प्रोसेस के रो मटेरियल कौन होते हैं आपका होता है वाटर या फिर आप बोल सकते हो ब्राइन अमोनिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन भी आप बोल सकते हो इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा दैट इज द बेकिंग सोडिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट इज वॉशिंग सोडा और वी कैन से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा के बारे में भी लिख देता हूं आपको वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O तो ये क्या है आपका वॉशिंग सोडा है अब बात करते हैं लास्ट जो कि इसका बाय प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट तो आपका वॉशिंग सोडा है सोडाइड प्रोसेस का इसका बाय बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा तो इज द कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड इज द बाय प्रोडक्ट तो इस चीज का भी ध्यान रखना कभी कभी में ये चीज भी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टूडेंट्स so, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आ, यहां पे बता दी अलॉन्ग विदीज आंसर सो एक बार आप इसको देख लें स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप इसका ले सकते हैं फिर अपन आगे आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज

सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आपके मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिलेट करते हैं, तो ये गैस देते हैं और वो कौन सी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है अब इस गैस को कहाँ से पास करें अपन इस गैस को अपन वाई सोल्यूशन में पास करें दैट इज दिस गैस दिस गैस इज पास इन द वाय सोल्यूशन और जब आप इसको वाई सोल्यूशन में पास करेंगे यू विल गेट हि अगेन द मेटल

इसका जब अपन इलेक्ट्रोलिस करेंगे यानी जब इसके अंदर से करंट को पास करेंगे सो तो वी विल गेटिंग हियर व्हाट अपन को तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा ऑप्टेन होगा एक तो मेरे को एच टू होगा एंड मेरे को यहाँ पे क्लोरीन गैस क्लोरिन होगी हाइड्रोजन गैस इज ऑप्टेन एट द कैथोड यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा तो ये मेरे को कैथोड वाइल क्लोरीन गैस इज ऑप्टेन एट द एनोड ठीक है ना ध्यान रखना ये कहाँ पे ऑप्टेन हो रहा है आपको cathode पे हो रहा है और कौन सा यूज रिडक्शन रहा यहाँ पे कौन सा हुआ हुआ पे प्रोसेस यूज आपका ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना है तो पे कौन सी गैस ऑप्टेन हो रही है इसने बोला है आपको ये पता चल होगा गैस इज जी क्लोरीन गैस इज द जी

इसको अपन नाम देंगे ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर कहां से ऑब्टेन हो रहा है व्हेन जी इज पास्ड थ्रू द वाई जो आपका वाई है यही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है जो आपका ड्राई वाई है जिसके ऊपर से आप जी गैस को पास करेंगे सो यू विल गेट हियर द कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सो इसका नेम क्या होगा बच्चों आप अभी अपन ने पढ़ा है ये तो गैस कौन सी आपकी क्लोरीन तो आपका जो वाई है वो क्या होगा दैट विल बी ड्राई

ठीक है फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन है आपकी दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विद द डाइल्यूट एसिड सपोज मैंने यहां पर डाइल्यूट एसिड ले लिया आई विल बी गेटिंग हियर सी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस सी टू तो यहां पे मेरे को कौन सी गैस ऑप्टेन हो रही है सीओ टू गैस ऑप्टेन हो रही है तो जब इस ओ टू गैस को मैं वाई से पास कर रहा हूं यानी कि सी ए ओ एच होल्ट से पास कर रहा हूं क्या था बच्चों यही आपका मेटल कार्बोनेट इज़ द मेटल कार्बोनेट और यहाँ पे आपको गैस ऑप्टेन हो रही है सीओ टू इस वाई से पास कर रहा हूँ तो आई विल गेटिंग वॉट आई विल गेटिंग यहाँ पे जो एक्स है वो वापस से मिल रहा है तो so, जो आपका बच्चो एक्स हैल्शियम कार्बोनेट सी ए सीओ थ्री वाई इज वॉट दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच होल्टवाइस जी आपने फाइंड आउट करा था बच्चों जी क्या था आपका जी इज द क्लोरीन गैस ठीक है और इन्फॉर्मेशन और क्या पूछा है आपको यहाँ पे एक्स वाई जी एन जेड सो वट इज दैट इट गिवस अ कंपाउंड जेड यानी यहाँ पे जो कंपाउंड ऑप्टेन हो रहा है दैट दैट इज इज अ जेड सो जस्ट रीडिंग इट अ गैस जी इज ऑप्टेन एट द एन ड्यूरिंग द ऑफ ब्राइन वैन इट इज पास ऑन द गैस वाई इट अ कंपाउंड जेड विच इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसिस सो आपका जो यहाँ पे जेड होगा Z क्या होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर दैट इज सी एल टू इन सभी के नेम भी आपको यहां में लिखने हैं तो इनके नेम लिख देते हैं और आंसर को कंप्लीट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस Main, is, so, students, इस और उसके बाद में आपको क्या करना है फाइनल बॉक्स के अंदर इस आंसर को भी लिख के आना है ठीक है सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक ने एसिड बेसिस सॉल्ट के जो क्वेश्चंस डिस्कस करे उसमें ने मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो से उन सभी को अपन ने डिस्कस करा है. तो स्टूडेंट्स इन सभी जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं जो आपके मॉक टेस्ट पेपर्स यहाँ पे आपको डिस्कस हो रहे हैं लेक्चर्स की फॉर्म में या आपको लेक्चर्स की फॉर्म में ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस हो रहे हैं साथ में उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पैलली अपन डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई और चीज़ कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेम हो सकता है उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग तो उस चीज़ को भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो इन सभी वीडियोज़ को आप एक बार देखें ठीक है एंड मिनिमम टाइम है आपके पास आपके एग्जाम्स पास में ही हैं तो इनको देखें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स और योर एग्जाम्स चलिए थैंक यू